तो अभी हम आए थे एप्पल वॉच लेने, तो मुस्तकीम कहता कि भाई कार के लिए ये भी ले लेते हैं। क्या कहता है मुस्तकीम भाई? सही डील भी सही दे रहे हैं, डिस्काउंट भी सही दे रहे हैं। इतना करते करते कितना सामान ले लिया तुमने? अब मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मैं व्लॉग हर जगह बना सकता हूँ। सोनी को लेके नहीं घूमना, मतलब लेके घूम रहे हैं बट जहाँ पे जैसे ऐसी प्लेसेस पे अलाउड नहीं है वहाँ पे इनसे काम चलेगा। तो ये अभी हम सोच रहे हैं कि कार के लिए ले लें, क्योंकि हमारा जो नया रोड ट्रिप है उसमें शायद हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों के पास एप्पल एप्पल है तो चार्जिंग का इशू नहीं रहेगा कि तू मेरे को वायर दे, तू मेरे को वायर दे। हाँ, फिर वायर के लिए एक होगा और एक इसमें एक्चुअली माउंट भी प्रॉपर अच्छे से रहेगा ये। हाँ, तो अभी हमने एक एप्पल वॉच ली है, एयरपोर्ट का हम सोच रहे हैं। वेलकम बैक टू दी चैनल, एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने व्लॉग बनाना नहीं था बट बनाना पड़ रहा है क्योंकि चीज ही कुछ अभी हमारे साथ ऐसी हुई। आज हम निकले थे फोन लेने, तो ये नहीं पता था कि हम आईफोन लेंगे, तो सबसे पहले हमने ये वाला फोन लिया जिससे अभी आप व्लॉग देख रहे हैं। अभी कौन सा बताना कैसी है, कौन सा फोन है अभी आप गेस करो। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा होगा तो पता लग गया होगा। तो अभी हमारे यहाँ पे एप्पल वॉच आई वॉच चार्ज हो रही है, और एक हमने ये लिया क्योंकि एप्पल वालों ने इसके अंदर से जो अडेप्टर है वो निकाल लिया है 1850। तो भाई नेक्स्ट रोड ट्रिप कब हो रहा हमारा तैयार? रुको जरा, सबर करो। तो सर अभी हमारी आई वॉच चार्ज हो जाएगी, उसके बाद हमारे एयरपोर्ट भी चार्ज हो जाएंगे। तो रोड ट्रिप आज ही निकलोगे या कब करोगे? अभी शाम को निकलते हैं। शाम को निकल रहे हो? नहीं यार, प्लीज यार, तू कैमरा में लेगा फिर जाना पड़ेगा। वैसे मेरे भाई को पिन कर दिया मैंने, भाई अब तू भी फोन वोन ले रहा, कौन सा लेगा? अब तू 11 प्रो मैक्स ले रहा है ना यार? पता नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हाँ। अभी मैं फिर सोच रहा हूँ सितंबर, अभी वन प्लस भी लॉन्च करा है कल ही को। वैसे कल वन प्लस 90 लॉन्च हो रहा है, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए है। तो शॉपिंग हो चुकी है कम्प्लीट, इतनी छोटी चीजें इतने बड़े बैग में है मुस्तकीम, और इंग्लैंड वालों ने इतना छोटा बैग और इतनी बड़ी चीज थी। तो हम लेने सिर्फ आईफोन गए थे, मुस्तकीम कहता कि भाई सब कुछ तेरा एप्पल हो ही गया है तो आई वॉच भी ले ले, एयरपोर्ट भी ले ले। एयरपोर्ट चार्जिंग केस वाला नहीं था बट ले लेंगे, टेंशन ले लो, रुको जरा। तो आज हमारी बिल्लो चला रहा है मुस्तकीम, बहुत प्यारी है, इसका नाम हमने रखा ही नहीं यार अभी, यार रख देते। तो ये जो फील थी ना मेरे को चाहिए थी कि आईफोन से मैं व्लॉग करूं, क्योंकि हर जगह ना कैमरा नहीं ले आया जाता। तो ये अब जो मजा आने वाला है ना कुछ ब्लॉगिंग के दिनों में, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं बोल कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं एक्चुअली मैंने खुद भी ये सुना हुआ है, मतलब तू ज्यादा अच्छे से बता पाएगा कि यूट्यूब खुद कहता है कि आपके लिए आईफोन, अगर आपको शूट करना है आईफोन का कैमरा सफिशियंट है ना, था वो अलग बात है, हम तू क्वालिटी 4K दे रहा है यूट्यूब पे, बट आईफोन अगर किसी को ग्रो कर रहा है तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। ओह नो, बाकी एप्पल वॉच तो भाई मैंने आज से पहले यूज नहीं करी, टू बी ऑनेस्ट। मैं फिटनेस बैंड यूज करता था जो कि एप्पल वॉच जैसा दिखता था। हाँ। काफी लोग कहते थे कौन सी आई वॉच यूज करता, मैंने कहा भाई वो आई वॉच नहीं, पेबल की स्मार्ट फिटनेस वॉच है। तो अभी एयरपोर्ट आई वॉच, उसका अडेप्टर और आईफोन का बॉक्स, इधर हम छुपा के गए थे कि कोई शीशा ना फोड़ दे हमारा गाड़ी का। तो आज हमारा हो गया एप्पल डे। हाँ, एप्पल डे। तो बाकी हम रोड ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं, किधर जाएंगे, कब जाएंगे कुछ पता नहीं। बाकी आप लोग कह रहे थे कि भाई थोड़ा यूट्यूब ब्रेक ले लो, अपने आप इंजॉय करो, तो भाई इंजॉयमेंट चालू है हमारी, हम थोड़ा मतलब क्या कहते हैं अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे राइड के। मुस्तकीम कहता भाई तुम आराम करो, टेंशन क्या है। नहीं यार चलेंगे राइड पे, अभी वो थोड़ी प्लान आउट अच्छे से हो रहे हैं, अभी क्लोजिंग आ रही है ना मार्च की, तो उस कारण थोड़े बिजी है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है दूसरा, पिछले साल में ऐसे कुछ खास काम नहीं हुआ। अच्छा प्लान आउट करते हैं अच्छे से। बाकी व्लॉगिंग का मेरे को काफी मस्त लगा, अब मेरे को कहीं भी DSLR ना कैरी नहीं करना पड़ेगा, आईफोन उठाया चार्ज करा कहीं भी ले गया, कोई भी मतलब मॉल में भी किटकिट नहीं है। तो भाई कूडोस, मजा आ गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत सही इन्वेस्टमेंट होगी, बस इसको प्यार से संभाल के अभी हमने रखना है। भाई साहब मुस्तकीम वाइड एंगल तो बहुत लाजवाब है यार इसका। यार मेहनत ही है, मेहनत ही मेरी मेहनत ही, वो रोडी सा गाना है ना, बट हाँ मैंने की है मेहनत, अरे जो मैंने देखा पा लिया। हाँ, ये बॉय इश बॉय कशुर बॉय, पर भाई ने बहुत मेहनत की गाड़ी के ऊपर, वो मेहनत मेरी बर्बाद कर दी कुछ हेटर्स ने, वो बात अलग है। किसी ने कुछ बर्बाद नहीं की, वो बस सब कुछ नहीं, वापस ग्रो करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे। दोनों बाइक तो हमारे पास रेडी हो गई है, सुल्तान भी एक्सपल्स भी, एक्सपल्स मुस्तकीम चलाएगा क्योंकि उसको काफी ज्यादा एक्सपल्स चलाने में मजा आता है, मेरी है एक्सपल्स। बाकी आप लोग यार प्यार करो और यूट्यूब के व्यूज मतलब बढ़ाओ, मतलब इतना लाइक का बटन तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो,
छोड़ दो, सब कुछ कर दो, जो कर सकते हो करो और सब्सक्राइब करो। कुछ दिन तक पहले ना मैं बड़ा सोच रहा था कि भाई व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है तो भाई अपने आप से जबरदस्ती नहीं करनी, जब अपने आप को अच्छा लगे तब हमने व्लॉग करना है, नहीं तो बीच में मेरा ऐसा सीन बन रहा था कि भाई वीडियोस नहीं आ रही, वीडियोस नहीं आ रही, चलो 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 राइड पे, तो वहां पे ना लग जाती है इंसान की, हो जाता है इंसान को, मतलब वो चीज ना कभी कभार होती है क्योंकि लोग भी मैसेज करते हैं और काफी बार ना हेटर्स भी कुछ ऐसा यार अपने बहुत सारे भाई तू यूट्यूब छोड़ ही देना भाई, आपको नहीं पता ना कि देखो यार जो कैमरे पे दिखता है ना वो बहुत आपको खुशी दिखती है बट उसके पीछे जो साइड लाइफ होती है ना वो मतलब मैं कभी कभार दिखाना भी नहीं पसंद, मैं दिखा भी देता हूँ कभी कभार, वो बात नहीं है बट बहुत चीज हो जाती है। और उसमें फिर अगर जैसे प्यार करने वाले ज्यादा है, मैं एक चीज बताऊंगा, प्यार करने वाले ज्यादा है बट कुछ लोग जो मतलब मजाक मजाक में ऐसे या कुछ अपने एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए किसी के ऊपर ऐसे लिख देते हैं, क्या क्यों लिख रहे हो भाई। पर एक चीज कहने वाली है भाई, जब हम कश्मीर ट्रिप में थे भाई, वो ट्रिप ट्रिप थी, वो मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कॉन्टेंट बनाने गए, वो ऐसा लग रहा था घूम रहे भाई, और कॉन्टेंट भी अच्छा बन रहा था, बहुत अच्छा बन रहा था भाई। महीने के लिए हमने जो मतलब, और सुनो मेरी शादी नहीं हुई है वो बस उस समय के लिए था, मेरे को कमेंट मत करो, मेरे हो रही थी बट नहीं हुई, कुछ नहीं आ रहा था, ये झूठ बोल रहा इनने बस भाई, कुछ नहीं था वो बस मेरे को घर आना था। मेरे को लोग कह रहे शादी कैसे भाई, मुइन भैया की मम्मा उनसे पूछते मुस्तकीम की शादी कैसे, मेरे को नहीं भाई कोई शादी नहीं थी, बस मेरे को थोड़े काम के सिलसिले में आना पड़ा था तो वही तो सिलसिला था रिश्ता भाई ने। यार प्लीज यार प्लीज यार मत कर यार मेरे साथ ऐसा, चलो कोई नहीं भाई, अभी मुस्तकीम का घर आने वाले हैं, फिर हम अभी हम जाएंगे दूसरी लोकेशन पे इसको छोड़ के, क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं, वो प्लान हमारा काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। लेने के बाद कहता हूँ नो, मैं इतने का दिलवा देता हूँ, ये अक्सर होता है भाई इंडियंस में होता है, आप कोई चीज ले लो ना, अरे यार तू मेरे को फोन तो करता ब्रो, किसके साथ होता है वो कमेंट करो, किस किस के साथ हुआ है ना ये चीज़? अगर आपने कोई चीज लेनी होती और आप ले चुके होते फिर आप बोलते हैं अरे यार तू मेरे को बताता ना ब्रो, तूने अब ले लिया ना, मैं क्या करूं, मैं तेरे को इतने के दिलवा देता। ये बताओ कौन कौन है, किस किस के साथ हुई है, कमेंट में बताओ जल्दी। तो यहाँ पे अभी बोर्ड आया गौर मार्ग, मुस्तकीम कहता गुलमर्ग, यार वो एक्चुअली मतलब ना वो अभी सस्ता सा ही बोर्ड लगा हुआ था प्लास्टिक वाला, तो उसके ऊपर ऐसे मैंने कहा गुलमर्ग यहाँ पे हम नहीं जाना है। नहीं यार जाना तो है क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत मतलब प्यार मिला अब की बार BMW पे। हाँ? तो कल हमने वहाँ शॉपिंग करी मतलब विजय सेल्स जाके, फिर हम आई एनमेंट गए, रात को बताऊँ सीन क्या हुआ, खरीद तो हमने कल ही लिया था बट मेरे कार्ड का मैं पिन भूल गया था, जिसको रीजनरेट करने पूरी रात मैंने कॉल सेंटर में काटी फोन कर, बट फिर चीज भी तो आज अच्छे से तसल्ली से मिली, मतलब इसलिए कहते हैं कि अगर कोई चीज लेने जाओ तो अच्छे से तसल्ली से, मतलब अगर यार मेरे को ना बड़ी बेइज्जती फील हुई, सब कुछ हो गया फाइनल हो गया, बिल बिल मतलब बन नहीं जा रहा था, कार्ड निकाला सर पेमेंट, मैं बहस किया फिर नहीं और नहीं, मैं दो तीन बार डाला कार्ड ही ब्लॉक हो गया, मैं लो कर लो बात, हो जाता है कभी कभार, वो होना ही होता है यार। लिटरली जब मैं कश्मीर ट्रिप में था ना तो मैं ये भी भूल गया था कि मेरा ऑफिस भी है और मेरे पास बाइक्स भी है। हाँ भाई सीरियसली एंजॉय इतना ज्यादा हो रहा था, बाकी आपने कुछ एंजॉय तो देखा ही नहीं, वो मैं कभी सोचूंगा कि एक अनस्क्रिप्टेड BTS ब्लॉग आया जाए उस चीज का, नहीं भाई वो नहीं आएगा, वो कभी कुछ नहीं आएगा। सुनो अगर इस ब्लॉग पे 20,000 लाइक्स तो वैसे होंगे नहीं, अगर होंगे तो फिर वो आ जाएगा। नहीं भाई भाई तुम लाइक कर दो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा लाइक मत करो, बट यार वो मत लो यार प्लीज यार। भाई कुछ ऐसी अनदेखी चीजें हैं जो कि आप देखोगे तो बोलेंगे वाह मुस्तकीम वाह, ब्रो को जिम जाना है, ब्रो को ना भाई से ऐसे हमने भी क्योर फिट ज्वाइन करने का सोचा है क्योंकि भाई अब फिटनेस पर ध्यान लगाना है, एक दो राइड मार के आएंगे उसके बाद मुस्तकीम के साथ। मैं तेरे को कह रहा था कि तू रेगुलर मतलब मैं एक्चुअली जब खुद आया था कश्मीर ट्रिप से तो मैंने एक्चुअली 45 days तक बस प्रॉपर ऐसे ट्रेन किया था, उसके बाद फिर मतलब प्रॉपर बॉडी को मतलब जैसे अगर किसी को प्रोटीन लेना है क्या अमीनोज लेने हैं, क्योंकि यार ये चीजें लेनी जरूरी है, मतलब आपको आप उतना खा नहीं सकते हो यार, अब इंडियन मेंटालिटी को समझाना बहुत ज्यादा, एक मिनट गाड़ी बंद कर लिया पेट्रोल महंगा है। 98 rupees था भैया, 99 था राजस्थान में भाई, अब क्या कर सकते, छोड़ो मैं भी क्योर फिट ज्वाइन कर रहा हूँ कुछ दिन के अंदर, फिर आपको तो फिटनेस व्लॉग्स भी दिखेंगे, मिलेंगे जल्द ठीक है। भाई बहुत ज्यादा लेट के भाई गाड़ी चलाता है मुस्तकीम, बीच में ना यार मैं काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था क्योंकि ना मेरे को यार कभी हर रोड ट्रिप के बाद थोड़ा बहुत तो मतलब ब्रेक चाहिए होता है यार, इंसान ना पक जाता है इतना ट्रैवल कर करके, वो हर क्रिएटर का जायज है, भाई कुछ लोग होते नहीं लेते, मेरे को ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि काफी ज्यादा मेरे काम ना अटक जाते हैं और फिर मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, मतलब
हर रोड ट्रिप के बाद ये सीन होता है। मुस्तकीम कह तो रहा है कि प्लान करते हैं साथ में कुछ मिलके, बाकी अगर नहीं भी हो पाया तो अपन फिर सोलो निकलेंगे कुछ बढ़िया ठंडी सी जगह पे जाएंगे जहाँ से वीडियोस भी आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे। तो भाई कमेंट करके बताना कि आपका वो कौन सा दोस्त है जब आप कोई चीज़ ले लेते हैं तो बोलता है कि ब्रो मेरे को बताता ना, मैं तेरे को सस्ती दिलवाता। तो अभी हम जा रहे हैं नमन के पास, हर्षित भी शायद वहीं पर होगा। तो भाई ये जो फील थी ना, ये मेरे को चाहिए थी कि हैंडी अपना सेटअप हो व्लॉगिंग का। बाकी एग्जॉस्ट नोट तो आपको पता ही है अपनी गाड़ी का कैसा है, बिल्लो पक्की है तो बिल्ले क्या करेगी इसका ना। मेरे को अभी तक नाम मतलब मैंने सोचा नहीं कि मैं गाड़ी का क्या नाम रखूं, तो अगर आपको कुछ बढ़िया सा नाम पता तो कॉमेंट करके जरूर बताना। तब तक हम ड्राइव करके पहुंचते हैं सीधा मालवीय नगर। तो भाई देखो यहाँ पे कौन मिला, वॉन्डरिंग हर्षित, क्या हाल है। और अभी हम नए फोन के लिए टेम्पर ग्लास कवर वगैरह लेने आए हैं भाई। महंगी बातचीत। मेरा लेने का ये भी मन था बट ये लॉन्च नहीं हुआ था नया वाला 90, नहीं तो मैं यही वाला लेता। मैं तो 80 लेंगे ना, 80 मतलब नया मॉडल, क्योंकि हर 6 महीने में नया मॉडल आ जाता है। हाँ पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये लेंगे ये। भाई एक बात बोलूंगा, ये कम ब्रांड रेट चेंज हो रहे हैं। सेम कवर वन प्लस का सेम डिटो यही कवर मेरे को 2000 रुपीज कुछ का पड़ा, और सेम यही कवर साइज छोटा है कवर का वो 3500 का बता रहा है। अच्छा, तो हमारी ये परमानेंट शॉप है मालवीय नगर में जहाँ से हम टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगवाते हैं। तो अभी इस फोन पर लगवाएंगे, इसको रखते हैं नीचे, टेन को निकालते हैं और सुनाते हैं वीडियो। तो हर्षित कहने लगा भाई कि आई वॉच पे भी लगवा देते हैं, टेम्पर्ड लगवाएंगे क्या होता है उस पर। वैसे टेम्पर्ड इतना कामयाब नहीं है, पर एक बार लगा के एक बार कर सकते हैं कि तेरा कंफर्टेबल दिल की तसल्ली। हाँ कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि एक बार ऐसे मेरे घर में चल रहा था सीढ़ियों लेके और ऐसे हाँ। सीढ़ियों में मारा वो मेरी पूरी वॉच यहाँ से ऐसे स्क्रैप हो गई पर वो फिटनेस वॉच थी भाई। ये रोज गोल्ड नहीं लेना भाई, ये नहीं लेना भाई, कवर होना चाहिए बढ़िया वेलवेट वाला। तो ये वाला कवर अभी मैंने कुछ दिन पहले लिया था भाई, मेरे पास 10 भी है, वो सेकेंडरी फोन रह जाएगा। तो आज ये व्लॉग पूरा फोन से रिलेटेड ही बन पा रहा है, पता नहीं क्यों, इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल व्लॉग। अभी तो मेरी आंखें नहीं खुल पा रही आज। राजू भाई से लगवाते हैं हम फोन कवर, ब्लैक नहीं चाहिए, पिंक नहीं चाहिए, पर यार तो अभी क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि जो कैमरे के ऊपर वो प्रोटेक्टर लगाया उससे कुछ होता नहीं, कोई होगा नहीं, जूम वाला वो सिस्टम भी सही है इसका है। बाकी कवर अभी तक डिसाइड हुआ नहीं, तो सारा तामझाम लग चुका है, फोन का कवर, कैमरे का टेम्पर, फोन का टेम्पर और एक एक्स्ट्रा कवर ले लिया, बाकी चले घर। चलो तो भाई बहुत टाइम बाद हर्षित घर पे आए, और हर्षित का जो वर्क स्पेस है काफी ज्यादा बदल चुका है। एक मैंने इंस्टाग्राम पर फोटो भी डाली थी, वहाँ कॉर्नर पर भाई पूरा रूम तैयार नहीं हुआ था, पेंट हुआ था भाई, कह रहा भाई पहले मौके पे शॉट मैं मारूंगा। बाकी भाई कमरा कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे, येलो थोड़ा ग्रे, मतलब फोटो शूट के लिए काफी सही जगह है। चंडीगढ़ गया तो वहाँ से लेके आए भाई साहब, ये इतने गंदे हैं, अर्बन ठेका गए, वहाँ से मेरे लिए स्टिकर और टी शर्ट नहीं लेके आए। मैं वर्क पे था भाई, वो मेरे लिए अपने लिए दोनों टी शर्ट ले ली, मेरे लिए भी टी शर्ट ले ली यार, और मेरे नाम के कैप लेके आया नमन, खुद पहन के घूम रहा है। मैं जलंधर गया था तो मैंने सोचा था कि चंडीगढ़ जाऊंगा अर्बन ठेका, वहाँ से स्टिकर लेके आऊंगा, भोंक करके तो वो काफी ज्यादा बढ़िया था। बाकी इसकी टेबल ऊपर नीचे होने वाली, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक, फुली एडजस्टेबल। बाकी इसका भी एक सेटअप आने वाला है, अभी चेंज हो नीचे लाइट्स, ये मेरे को लेना था बट मैं सोच रहा हूँ करूंगा क्या, क्योंकि मैं घर पे भी होम थिएटर लगा रखा है, सुनना हो नहीं पाता। लाइट्स ऑन होंगी इसके, वो इसके चलती है वाइट छोटी लगती है ना, ये गुरकीरत भैया के पास था, इससे बड़ा वाला था वो, उसमें वो पीछे डीजे वाले वो साउंड बजते हैं टक 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 टक। ओ नो, पूरा ये पूरा इसमें तो मेरा गाना बजेगा, हां मजा आ जाएगा, सुनाओ क्या आपको, नहीं सबर करो सबर करो सबर करो, कब रिलीज कर रहे हैं फिर हम, जो मजा आया समझने के बाद तो भाई गजब कर दिया। इसी में बजेगा अभी गाना, आपको बाद में सुनाएंगे जब हमारे 1 मिलियन हो जाएंगे। ओके रिपोर्ट नमस्ते आंटी। पहले हम शूट कर रहे थे HD 30 फ्रेम पर सेकेंड पर, अभी हमने सेटिंग इसकी चेंज कर दिया 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड में, और गाना भी अच्छे से पूछते हैं कैसा लगा, क्या रिव्यू करते हैं। शूट किसने करनी है फिर वीडियो, जो हमारे इंडिया में जो लोकेशन है ना उस गाने के लिए बहुत सही होंगी, मजा आएगा। वो जो लोकेशन हमने कुछ सोचा हुआ है, जल्दी 1 मिलियन करो पता चल जाएगा आपको। जरा सबर करो, गाने में थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस हैं, वो जब भी कंप्लीट होंगे तो थोड़ा बहुत हम आपको हिंट दे देंगे इंस्टाग्राम पे, आप थोड़े ट्यून्स वगैरह। पर जितनी जल्दी आप 1 मिलियन कराओगे उतनी जल्दी हमारे काम की स्पीड बढ़ती जाएगी। हाँ मतलब अभी हम थोड़े ढीले ढाले पड़ गए हैं, पूरा पूरी पावर के साथ चलेगा क्योंकि इक्विपमेंट्स हमारे पास पूरे हैं, ड्रोन भी हमारा आ रहा है, बाकी बहुत कुछ चीजें हैं, बस थोड़ी सी आपको मदद करनी, मतलब आप लोगों की
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी राइड का भी प्लान चल रहा है, मुस्तकिंग में तो फाइनल हो चुका है, हर्षित का हुआ नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, मत डालो तुम बनाओ, हर्षित जाएगा तो हम जाएंगे, तुम बनाओ फिर मैं अपना फाइनलाइज उस हिसाब से करूंगा। चलो भाई, अगर आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, व्लॉग बनाने का कोई सीन नहीं था, थोड़ी मुस्तकिंग ने मोटिवेशन दी, भाई तू यार लास्ट वीडियो में रो रहा था, ऐसा क्यों, ऐसा मत करा कर, व्लॉग बनना क्योंकि खुशी का दिन है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना दे, ये बिल्कुल लाइफस्टाइल व्लॉग था आज का, पर ये चीज ना हम आगे जाके देखेंगे ना तो हम याद करेंगे कितने मतलब कैसे कैसे हमने पूरी मेहनत करके हमने सामान लिया, फोन लिया, गाड़ी ली, बाइक ली, तो ये चीज आगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, याद करेंगे तो काफी मजा आएगा देखेंगे। तो बाकी अगर आपको व्लॉग पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू तो करो सब्सक्राइब, मोटो व्लॉग लाइफस्टाइल वीडियोस देखने के लिए, टिल देन राइड सेफ, दिस इज बॉन्ड टू राइड विद बॉन्डिंग हर्षित, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, अब नेक्स्ट व्लॉग शायद कल ही आ जाएगा, या तो हम कोशिश करेंगे कि अब हैबिट डाल लेंगे, आप इसमें पॉकेट इसमें हमारे पास कमेंट कर करके मोटिवेट कर दो। हां भाई, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, चलो ठीक है, बाय बाय।